हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स स्टार्ट किए थे हम लोग, और फर्स्ट लेक्चर में प्रोटीन का इंट्रोडक्शन, मोनोमर यूनिट अल्फा अमीनो एसिड को पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें से चार अमीनो एसिड ग्लाइसिन, एलानिन, वेलाइन और ल्यूसाइन, चारों का स्ट्रक्चर IUPAC नेम, थ्री लेटर्स एब्रिविएशन, वन लेटर कोड, नेचर और फिर उसका कैटेगरी एलिफेटिक एरोमेटिक क्या है। सो तो चार देख चुके थे हम लोग, उसके आगे बढ़ेंगे आप। और पांचवा नंबर का जो अमीनो एसिड है, दिस इज प्लस आइसोल्यूसाइन, थ्री लेटर्स एब्रिविएशन जो है इसका ILE, एसओ को हटा दिया गया, चूंकि आइसो एक प्रीफिक्स हम लोग जानते हैं आइसोनियो में, इसलिए आइसो नहीं ILE। और इसका जो वन लेटर कोड है वह I, फर्स्ट लेटर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो ल्यूसाइन का स्ट्रक्चर है, इसी में आइसो लग गया है, तो इतना तो कॉमन था, NH2 H, यहाँ अब ग्रुप जो एबव द प्लेन है कुछ हो जाएगा ऐसा, CH, CH3, CH2, CH3, ऐसा। ल्यूसाइन जो था ना, ल्यूसाइन में यहाँ क्या था, CH2, फिर था बगल में CH और उसमें दो CH3, लेकिन यहाँ ऐसा है, कायरल कार्बन है। IUPAC नेम की बात करें तो डायरेक्ट हम लोग IUPAC नेम लिख सकते हैं, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, दिस इज 2 अमीनो, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हुए, 2 अमीनो, 3 मिथाइल, 5 कार्बन का पेंटेनोइक एसिड, ऐसा। नेचर एक COOH एक NH2 है, तो न्यूट्रल होगा, ठीक। उसके बाद एलिफेटिक है, या इसी को हम लोग एसाइक्लिक भी समझ सकते हैं, एलिफेटिक या एसाइक्लिक एक ही चीज़ है। तो ये आइसोल्यूसाइन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट माइनस फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, थ्री लेटर्स एब्रिविएशन हो जाएगा इसका PHE, एंड सिंबल इज F not P, F फिनाइल, तो फिनाइल F आ रहा है, ऐसे समझना हम लोग को। एलानिन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे, और एलानिन का स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा था, COOH, NH2, फिर यहाँ से H, और यहाँ लगा हुआ था CH3, दिस इज एलानिन, फिनाइल एलानिन है, इसका मतलब क्या होगा कि CH2 और फिर एक PH आ जाएगा, एक हाइड्रोजन हट करके फिनाइल ग्रुप आ जाना है यहाँ बस। IUPAC नाम की बात करें तो देखो, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो समझ में आएगा अच्छे से, बेंजीन, यहाँ CH2, फिर CH, इसमें है NH2 और यहाँ है COOH, एंड दिस वन इज द कायरल कार्बन, तो 1, 2, 3, दिस वन इज सब्स्टिट्यूएंट, दिस वन इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूएंट, सो द नेम इज 2 अमीनो, 2 अमीनो, 3 फिनाइल, और 3 कार्बन का हो गया प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। कैटेगरी, कैटेगरी इसका बात करें तो देखो, यहाँ एक एरोमेटिक रिंग आ गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फिनाइल एलानिन इज द अल्फा अमीनो एसिड कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग, कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग, दिस वन इज फिनाइल रिंग। उसके बाद एक NH2 एक COOH है, तो नेचर हुआ इसका न्यूट्रल। तो इसमें थोड़ा सा नया कुछ आया, नया क्या आया, सबसे पहला आया इसका वन लेटर कोड F, F फिनाइल हिंदी में लिखोगे तो फा के लिए यहाँ F समझ लो,
उसके बाद एक नया आया कि इसमें एरोमेटिक रिंग है, बाकी न्यूट्रल नेचर का तो है ही, आईपीसी नाम आसान ही है। तो 6 हो गए टोटल। उसके बाद नेक्स्ट, तो 6 कौन कौन सा देखे हम लोग, ग्लाइसिन, फिर एलानिन, भेलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, फिनाइल एलानिन, इतना देखे। तो उसके बाद फिनाइल एलानिन के बाद प्रोलीन 7 नंबर में, दिस इज माइनस प्रोलीन। बार बार बता रहे हैं कि यहाँ जो माइनस प्लस लग रहा है इसके बारे में हम लोग को सोचना नहीं है, एग्जाम में जनरली आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी माइनस प्रोलीन। 3 लेटर्स एब्रीविएशन इज प्रो, जनरली शुरुआत का 3 लेटर, एंड द सिम्बॉल इज पी। तो समझ में आया, अभी जो हम लोग फिनाइल एलानिन लिखे थे उसमें पी ना लिख करके पी एच के बदले एफ लिख दिए, फ, पी एच से फ या एफ से फ, फिनाइल, क्योंकि पी जो है या प्रोलीन का है, ध्यान रखोगे इस बात को। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सी सी ओ एच, और यहाँ जो है 2 डिग्री साइक्लिक ग्रुप होता है, कार्बन और इसी में यहाँ ऐसा इसको हम लोग दिखाएंगे NH, दिस वन यहाँ हो गया H, ये भी काइरल सेंटर ही है ऐसा। यह जो रिंग है दिस इज पायरोलिडीन रिंग, इस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोलिडीन, पायरोलिडीन रिंग ऐसा। आईपीएससी नाम की बात करोगे तो देखो ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है कि जो हेट्रो एटम होता है, मैंने कार्बन हाइड्रोजन के अलावे, उस हेट्रो एटम से किया जाता है 1 और बगल में यह हो गया 2। तो इस पूरे का नाम जो 5 मेंबर रिंग है 1 2 3 4 5, तो पूरे का नाम तो हो गया पायरोलिडीन, ठीक, और इस सेकेंड पे ही आ गया तो इसको लिखेंगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम हो गया पायरोलिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरे हेट्रोसाइक्लिक रिंग का नाम हो गया पायरोलिडीन, उसके बाद 2 पे था कार्बोक्सिल इसलिए 2 कार्बोक्सिल ग्रुप। नेचर की बात करें तो न्यूट्रल ही होगा, एक बेसिक ग्रुप है एक एसिडिक ग्रुप है, लेकिन कैटेगरी में थोड़ा सा अंतर आया। प्रोलीन इज दैट कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग, सबसे बड़ा बात इस अमीनो ग्रुप का नेचर, दिस अमीनो ग्रुप इज 2 डिग्री। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 4 अमीनो एसिड दिए रहेंगे, अब पूछेगा कि इसमें से कौन सा अमीनो एसिड में सेकेंडरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, 2 डिग्री अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो प्रोलीन, समझ गए, प्रोलीन में यहाँ जो अमीनो ग्रुप है वह सेकेंडरी है, 2 डिग्री है। कैसे, वो भी देख लिए, नाम समझ गए, नेचर समझ गए, कैटेगरी कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग। इसके पहले जो हम लोग देखे थे फिनाइल एलानिन जिसमें कि एरोमेटिक रिंग था, और या प्रोलीन में क्या है, इसमें एक सेकेंडरी अमीनो ग्रुप है, तो ये सब पॉइंट को नोट करके रखना है हम लोग को, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इसमें 8 नंबर, 8 नंबर माइनस टायरोसिन, 3 लेटर्स एब्रीविएशन इज TYR एंड इट्स 1 लेटर कोड इज Y, ध्यान रखना है इसको, 1 लेटर कोड इसका क्या है, Y है, Y इसमें आ रहा है इसलिए Y इसको लेकर के चलोगे। IUPAC नेम की बात करेंगे हम लोग या स्ट्रक्चर की,
तो COOH, हेयर NH2, यहाँ H और यहाँ फिर से एरोमेटिक रिंग है, फिनाइल रिंग, और इसमें लगा हुआ है OH, ऐसा इस प्रकार से। अच्छा, एक इसमें कि सर यदि इसका RS लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिखेंगे प्रोलीन का, तो आसान है, देखो एक कायरल कार्बन है, इधर H, इधर कार्बन, ऊपर कार्बन, यहाँ N, तो N वाला हो जाएगा 1, ये 2, यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो 1 से 2, 2 से 3 ऐसे ही आ रहा है। अच्छा खैर, यहाँ अब हम लोग बात करें, कायरल है, RS लिखोगे तो यहाँ भी ऐसे ही आएगा 1, 2, 3 ऐसे करके। नॉमिनक्लेचर की बात करेंगे तो कार्बन नंबर 1, दिस वन विल बी 2 एंड दिस वन विल बी 3, सो दिस इज सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस होल इज सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें से यह कॉम्प्लेक्स है तो जहाँ से जुड़ा हुआ है 1, 2, 3, 4, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 पे है अमीनो, उसके बाद यह पूरा ब्रांच 3 पे है तो 3, इसके अंदर 4 पर फिर वो एच आ गया तो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। अच्छा, और 2 कार्बन का हो गया इथेनोइक एसिड, ऐसा इसका IPC नाम, 2 अमीनो 3 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। और इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि यह एरोमेटिक रिंग है तो फिनाइल एलानिन के जैसा यह भी उसी कैटेगरी में आएगा, एरोमेटिक रिंग टायरोसिन। उसके बाद न्यूट्रल नेचर का है, एक बेसिक एक एसिडिक ग्रुप है तो हो जाएगा न्यूट्रल नेचर का। समझ गए बात, क्या क्या इंपॉर्टेंट रह गया, 3 लेटर्स एब्रिविएशन, 1 लेटर कोड, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा इसका कैटेगरी, एलिफेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है या एरोमेटिक रिंग है। IPSC नाम पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन शायद कुछ भी हो सकता है, अभी तक तो जनरली नहीं पूछा है, पूछ सकता है कि टायरोसिन का IPSC नाम क्या होगा, ऐसे करके किसी का भी, तो फिर उसके लिए स्ट्रक्चर भी याद रखना होगा और ऐसा नॉमिनक्लेचर पूरा दिमाग में होना चाहिए, तभी कर पाओगे आप। तो 8 हुए ग्लाइसिन, एलानिन, वेलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, फिनाइल एलानिन, प्रोलीन और टायरोसिन, सबका लास्ट में आई नहीं देख रहे, ये सभी कॉमन नेम है और यही सब नाम से सब विख्यात है। IPSC नाम तो हम लोग लिख ही ले रहे हैं, IPSC नाम के आधार पर स्ट्रक्चर आप बना लोगे, तो ऐसा भी कर सकते हो, स्ट्रक्चर यदि नहीं याद है तो IPSC नाम याद कर लो, IPSC नाम के आधार पर तो स्ट्रक्चर बना ही लोगे, नॉमिनक्लेचर में पढ़े हम लोग तरीका ऐसा। तो टायरोसिन के बाद 9 नंबर में ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान माइनस EB है, लेबोरेटरी, 3 लेटर्स एब्रीविएशन इज TRP, टायरोसिन में क्या था TYR, इसका TRP शुरू का, और सिंबल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है W, ट्रिप्टोफान, हालांकि W कहीं नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं, बस वैसे ही दे दिया गया। देखो टोटल 20 अल्फा अमीनो एसिड बताए, अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं 26, तो सबका अलग अलग लेटर होना चाहिए ना ताकि हम लोग पहचान पाएँ। नाम में तो बहुत सारा नाम है जो फर्स्ट लेटर सेम है, जैसे टायरोसिन का भी T, ट्रिप्टोफान का भी T, तो फिर T उसका दे दिए तो इसका तो नहीं दोगे, दोनों का T दे दोगे तो फिर कैसे पहचानोगे कि टायरोसिन था कि ट्रिप्टोफान था, इसलिए यहाँ अलग दिया गया W। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, COOH, NH2, H, फिर यहाँ से जो है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग है NH, और फिर यहाँ से एक फिनाइल रिंग, ऐसा यह जो पूरा है, इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंडोल, यह पूरा कहलाता है इंडोल, ऐसा। तो ये भी जो है
यहाँ कायरल सेंटर ही है। नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ओवरऑल नंबरिंग है इसे 1, 2 और ये हो जाएगा 3। अब 3 में भी ऐसे जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं इसमें से हम क्या बताए हैं कि 1 नंबर दिया जाता है जनरली जो हेट्रो एटम होता है उसको, तो इस N को यहाँ हम लोग देंगे 1 और इस N से जुड़ा हुआ है यहाँ H, तो ओवरऑल इसका नाम यदि लिखोगे तो हो जाएगा 2-amino, उसके बाद 3 और इसका नाम है 1H indole 3-aryl, तो 1 यहाँ किए तो ये 2 और ये हो जाएगा 3। यहाँ तक तो आसान था ना, 2 पे अमीनो लिखे ठीक है, या पूरा ग्रुप 3 पे था तो 3 लिखे। अब इसमें से हेट्रोसाइक्लिक में फर्स्ट एटम जो है नाइट्रोजन, इसी को वन किया जाता है हेट्रो एटम को, उस पर एच है तो 1H, पूरा का नाम इंडोल और ब्रांच के लिए YL लगता है, तो 3 यहाँ लगा करके बताए हैं कि इस ब्रांच का कौन सा कार्बन मेन चेन से जुड़ा हुआ है, थर्ड जुड़ा हुआ था इसलिए यहाँ से लग गया 3I और 1, 2, 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ से दिस इंडोल इज ऑल्सो एरोमेटिक सिस्टम। यहाँ से यदि देखोगे तो न्यूट्रल नेचर का यह भी है, हालांकि यहाँ जो इंडोल है उसमें से NH है 2-degree ग्रुप, लेकिन ये उतना बेसिक नहीं है और उसका रीजन होता है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वह यहाँ डिलोकलाइजेशन में भाग लेता है एरोमेटिक सिस्टम में, इसीलिए इसको बेसिक के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है, तो मेनली हम लोग लेंगे 2, तो ये भी न्यूट्रल की कैटेगरी में आ जाता है। तो नाम समझ गए इसका कैसे लिखा गया। अब आता है अगला, इसमें 9 नंबर के बाद ट्रिप्टोफान, 10 नंबर में आता है इसका माइनस सीरीन, 3 लेटर्स एब्रिविएशन इज SER, सेर 1 लेटर कोड इज S। स्ट्रक्चर की बात करें C COOH NH2H और यहाँ CH2OH, ऐसा कायरल कार्बन है। IUPAC नेम की बात करें यदि हम लोग, तो ये कार्बन नंबर 1, दिस वन विल बी 2 एंड दिस वन विल बी 3, दिस टू आर सब्स्टिट्यूएंट्स, तो नाम इसका हो जाएगा 2-amino 3-hydroxy और उसके बाद 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। इसमें ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो यह एलिफेटिक है, कोई साइक्लिक चेन नहीं है, एरोमेटिक रिंग भी नहीं है इसमें, और उसके बाद नेचर की बात करें तो एक एसिडिक एक बेसिक ग्रुप है तो न्यूट्रल। अल्कोहल भी एसिडिक है हम लोग जानते हैं लेकिन बहुत कम, इसलिए ऐसे ग्रुप को इग्नोर करना है, मेन ये दोनों को देखना है। तो ये था माइनस सीरीन। इसके बाद 11 नंबर थ्रियोनीन, यह भी माइनस की कैटेगरी से ही बिलोंग करता है, लेबोरेटरी है। 3 लेटर्स एब्रिविएशन की बात करें तो THR और 1 लेटर कोड की बात करें तो T। देखो 3 नाम हो गया ना, एक टायरोसिन Y था उसका 1 लेटर कोड, ट्रिप्टोफान W, थ्रियोनिन T, तो यहाँ भी T, इसमें भी T और टायरोसिन में भी T, तो तीनों T तो T ही लिखोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए वहाँ लगाया गया क्या Y, यहाँ लगा W और यहाँ लगा T, थ्रियोनिन। नाम की बात करें और स्ट्रक्चर इसका लिख करके, तो कुछ ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, C COOH NH2
एच और यहाँ कुछ ऐसा सी एस थ्री ओ एच इस प्रकार से। मतलब यहाँ भी इस ओ एच को दिखाया गया है डॉटेड से, तो ऑब्वियसली यहाँ एक एच होगा और नॉर्मल लाइन से होगा। मतलब इसमें दो दो कायरल सेंटर हो गया, दिस वन इज कायरल सेंटर, दिस वन इज ऑल्सो कायरल सेंटर। ऐसा इस स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करके लिखें तो ऐसे लिखेंगे सी एस थ्री सी एच यहाँ ओ एच, फिर सी एच यहाँ एन एच टू और फिर सी ओ ओ एच, ये दोनों कायरल सेंटर हुए। नॉमिनक्लेचर की बात करें तो 1 2 3 4 ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हुए, तो क्या नाम हो जाएगा, दिस इज 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन का हुआ ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसा एलिफेटिक है, कोई साइक्लिक रिंग नहीं है इसमें, ना ही कोई एरोमेटिक है, और होगा या भी न्यूट्रल, एक अमीनो एक ये है न्यूट्रल। आर एस चाहो तो लिख करके देख सकते हो इस कायरल सेंटर का भी और इसके लिए भी पता चल जाएगा। यहाँ के लिए आर एस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ग्रुप हो गया 1 यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4, तो ऐसे तो इसका आ जाएगा एस। लेकिन यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो 1 से 2 2 से 3, एस इसका भी आना चाहिए लेकिन फोर्थ नंबर डॉटेड में नहीं है तो आर हो जाएगा ऐसे। तो ये तीन हुए ट्रिप्टोफान सीरीन और थ्रियोनिन। आईपीएसी नाम देख लिए, स्ट्रक्चर देख लिए, नेचर भी देख लिए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं और जो अमीनो एसिड्स बचे हुए हैं टोटल 20 बताया गया, नहीं अभी तक जितना भी देखे हम लोग सारे न्यूट्रल हैं, सबसे ज़्यादा न्यूट्रल अमीनो एसिड्स ही हैं, एसिडिक बेसिक भी हैं लेकिन बहुत कम। तो नेक्स्ट 12 नंबर -16 थ्री लेटर्स एब्रीविएशन इज सी वाई एस एंड वन लेटर कोड इज कैपिटल सी। और स्ट्रक्चर की बात कर ले तो सी सी ओ एच एन एच टू एच एंड हेयर सी एच टू एस एच। इसके पहले जो हम लोग देखे उसमें सी एच टू ओ एच था, सी एच टू ओ एच था ना किसमें, सीरीन में। यहाँ है सी एच टू एस एच, मतलब वहाँ अल्कोहलिक था, यहाँ थायो अल्कोहल वाला ग्रुप है। बस कायरल सेंटर समझ रहे हो, यहाँ है ऐसा। नॉमिनक्लेचर की बात करें तो इसको ऐसे लिखोगे कार्बन नंबर 1 2 3, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो 2 अमीनो 3 SH का ब्रांच वाला नेम क्या है, मरकैप्टो, और उसके बाद 3 कार्बन है ना प्रोपेनोइक एसिड। बात करें कैटेगरी की तो एलिफेटिक के कैटेगरी में आएगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज 16, एकदम ध्यान रखना इसको, आगे ज़रूरत पड़ेगा इसका। न्यूट्रल नेचर का है क्योंकि एक बेसिक ग्रुप है तो एक एसिडिक ग्रुप है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम लोग 16 के बाद मिथियोनिन। सो थ्री लेटर एब्रीविएशन इज MET एंड वन लेटर कोड इज कैपिटल M। स्ट्रक्चर की बात करते हैं
सी सी ओ ओ एच इधर एन एच टू एच और यहाँ से फिर सल्फर कंटेनिंग ग्रुप आएगा एस सी एस थ्री ऐसा। आई पी एस सी नाम कैसे लिखा जाए इसका, तो ये कार्बन वन ये कार्बन टू थ्री फोर ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट तो टू अमीनो। फोर पे जो ग्रुप है ना थायो इथर है, क्या नाम हो जाएगा इसका फोर मिथाइल थायो, फोर मिथाइल थायो। उसके बाद चार कार्बन का ब्यूटेनोइक एसिड, चाहो तो मिथाइल थायो को ब्रैकेट में भी रख सकते हो ऐसा। तो आईपीएसी नाम के आधार पे स्ट्रक्चर याद रखना आसान है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर को याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आईपीएसी नाम के आधार पे स्ट्रक्चर याद रखना आसान है। और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि सल्फर है इसमें, सल्फर कंटेनिंग, समझ गए। तो सल्फर कंटेनिंग दो अमीनो एसिड हुआ सिस्टीन मिथियोनिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखोगे। ऐसे चार अमीनो एसिड्स दिए रहेंगे, पूछा जाएगा कि कौन सल्फर कंटेनिंग है, एकदम ध्यान में रखना इसको। नेक्स्ट 14 नंबर माइनस एस्पैराजीन, थ्री लेटर्स एब्रीविएशन इज एएसपी, उसके बाद एएसपी या एएसपी नहीं एएसएन है और वन लेटर कोड इज एन, मिल नहीं रहा है ना, फर्स्ट लेटर इसका नहीं है क्योंकि फर्स्ट लेटर इसके पहले हम लोग एलानिन का भी ए देखे थे, वहाँ ए उसका था वन लेटर कोड, तो इसका भी ए नहीं होगा इसलिए एन लिखा गया है। स्ट्रक्चर की बात कर लें, सी सी ओ ओ एच हेयर एन एच टू, यहाँ हो गया एच, उसके बाद यहाँ से सी ओ एन एच टू, अमाइड ग्रुप आ गया इसमें, नंबरिंग वन टू थ्री पूरा अमाइड ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है ऐसा। तो क्या नाम हो गया टू अमीनो थ्री। अमाइड का ब्रांच वाला नेम क्या होता है कार्बामोइल, नॉमिनक्लेचर का पूरा कंसेप्ट है कार्बामोइल, और थ्री कार्बन का हो गया प्रोपेनोइक एसिड ऐसा। टू अमीनो थ्री कार्बामोइल प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट 15 नंबर प्लस ग्लूटामिन, प्लस ग्लूटामिन, देखो यह भी एलिफेटिक कैटेगरी में ही आया है ना, रिंग नहीं है और न्यूट्रल नेचर का ही होगा क्योंकि एक एसिडिक तो एक बेसिक ग्रुप है। प्लस ग्लूटामिन, प्लस साइन यहाँ लग गया मतलब पीपीएल को क्या करेगा राइट साइड रोटेट करेगा, हम लोग नहीं बता सकते ये एक्सपेरिमेंटल है, राइट साइड रोटेट करेगा बस। स्ट्रक्चर की बात करें यदि, या पहले थ्री लेटर्स एब्रीविएशन जी एल एन, वन लेटर कोड इज क्यू, थोड़ा अलग है क्यू याद रखोगे, और स्ट्रक्चर इसका ऐसा है सी एच यहाँ सी ओ ओ एच हेयर एन एच टू और यहाँ से फिर एक कार्बन दो कार्बन बढ़ेगा सी ओ एन एच टू ऐसा स्ट्रक्चर है। मतलब ओवरऑल नंबरिंग करोगे तो कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर ऐसा, ए पूरा ब्रांच ए भी ब्रांच, क्या नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा टू अमीनो फोर कार्बामोइल और चार कार्बन का ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये दोनों वैसे हुए एस्पैराजीन और ग्लूटामिन, जिसमें कौन सा ग्रुप है अमाइड ग्रुप है, समझ गए बात को, कार्बोक्सिल NH2 के अलावे कौन सा ग्रुप है अमाइड ग्रुप है, ध्यान रखना है इसको।
काहे कि क्वेश्चन एग्जाम में जो है ना किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, एकदम ध्यान रखना है। इन दोनों में क्या अंतर है? यहाँ तीन कार्बन देखो, टू अमीनो थ्री कार्बामोल प्रोपेनोइक एसिड, इसमें टू अमीनो फोर कार्बामोल ब्यूटेनोइक एसिड है, एक कार्बन का अंतर है केवल, बीच में यहाँ एक कार्बन और आ गया है। तो एस्पाराजीन सिंबॉल भी थोड़ा अजीब है, उसी प्रकार से ग्लूटामिन सिंबॉल भी इसका अलग है। ये दोनों वैसे अमीनो एसिड हुए जिसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अमाइड ग्रुप इन एडिशन टू कार्बोक्सिल एंड अमीनो। कार्बोक्सिल और अमीनो के अलावे इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, तो अमाइड ग्रुप। अभी अमाइड, एमीन और कार्बोक्सिल तीनों में कार्बोक्सिल, हम जानते हैं कि कार्बोक्सिल इज द मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी टेबल। तो टोटल 15 कर लिए, और ये जो 15 अमीनो एसिड्स हुए ऑल आर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। इसमें से एक प्रोलीन आया जिसमें 2 डिग्री एमीन ग्रुप था, उसके बाद बीच में क्या क्या आया, ट्रिप्टोफान फिनाइल एलानिन वगैरह आया जिसमें एरोमेटिक रिंग था, उसके बाद सिस्टीन और मिथ्यूनिन जिसमें सल्फर ग्रुप था, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स थे। तो बाकी के जो 5 अमीनो एसिड्स बच गए उसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।